हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरी किचन में स्वागत है। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आज हम बनाने वाले हैं मावा बालूशाही। बहुत आसान है, आसानी से घर पे बन जाता है। हलवाई लोग जैसे बाजार में बना के बेचते हैं, वैसे सेम मावा बालूशाही जो है घर पर आप बना सकते हैं। चलिए मावा बालूशाही जो है बनाना शुरू करते हैं। पहले हम मावा तैयार करेंगे। हमने मीठी के अनुसार ये चीनी ले लिया है और हमने ये मिल्क पाउडर ले लिया है और इसमें डालेंगे हम दूध। एक पाव हमने दूध ले लिया है। अब इसे हमें मिक्स कर लेना है, अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लेना है। चूल्हे को हम ऑन कर देते हैं और चूल्हे का पॉइंट हम कम पे रखेंगे, फुल पे नहीं रखेंगे, नहीं तो क्या होगा, ये जम जाएंगे, अच्छे से अलग नहीं होंगे, इसलिए हमें इसे मिक्स कर लेना अच्छे से। हल्का हल्का सा गर्म होता रहेगा, बहुत जल्दी और अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा मिल्क पाउडर और दूध साथ में। मिल्क पाउडर जो है अच्छे से मिक्स हो गया, आप देख सकते हैं कम पे रख के हमने इसे मिक्स कर लिया है, बिल्कुल गुठलियाँ नहीं है। ऐसे बहुत आसान होता है, आप मावा तैयार करेंगे बिल्कुल बहुत आसानी से और इजीली बहुत जल्दी बन भी जाता है। ठीक है, अब हमें चूल्हे का पॉइंट जो है बढ़ा लेना है और मावे को तैयार कर लेना है, लेकिन लगातार चलाना है। बहुत तेज़ी से ये मिल्क पाउडर जो है नीचे पकड़ने लगता है, इसलिए लगातार चलाते हुए खोए को तैयार कर लेंगे। मावा जो है तैयार हो गया है, 10 मिनट लगा है, बहुत कम समय में मावा जो है बहुत परफेक्ट देखिए तैयार हुआ है। आप अगर पानी डाल के मावे को तैयार करते हैं मिल्क पाउडर से, तो उसमें घी ज़रूर डाल लीजिएगा, बिना घी के वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमने दूध का यूज़ में लिया है, इसलिए हमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है, हमने घी नहीं डाला। और देखिए पूरा परफेक्ट हमारा मावा जो है तैयार हुआ है, मावा जो है बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं, ये ठंडा हो जाएगा तो और जम जाएगा, इससे ज़्यादा हमें सूखा नहीं करना है, ऐसा ही हमें मावे की ज़रूरत है। हमने ये मैदा ले लिया है, इस कटोरी से हमने 2 कटोरी ये मैदा लिया है और इसमें हम डालेंगे चुटकी भर नमक, 1/2 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें ये बेकिंग पाउडर। अब इसमें जाएगा घी, हमने 4 चम्मच घी लेके और इसको गर्म कर लिया है। अब इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से, हमें मोयन तैयार करना है। मोयन जो है अच्छे से मिक्स हो गया है, इसमें डालेंगे हम ये ऑरेंज कलर और इसको भी साथ में मिक्स कर लेते हैं। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें आटे को सख्त टाइट जो है गूंथ के तैयार करना है। रोटी जैसे हम लोग बनाते हैं ना रोटी, उस आटे से हमें थोड़ा टाइट आटा तैयार करना है कि जो हम मतलब इसकी रोटियाँ बना सकें। देखिए अब इसमें हमें पानी डालना है थोड़ा थोड़ा और आटे को लगा लेना है, ज़्यादा पानी एक ही बार नहीं डाल देना, ये नरम पड़ जाएंगे तो फिर बालूशाही जो है अच्छी नहीं बन पाएगी, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा डाल के और आटे को सख्त तैयार कर लेते हैं गूंथ के। आटे को हमने गूंथ के तैयार कर लिया है, अब इसे 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पे छोड़ देते हैं। खोया मावा जो है ठंडा हो गया है, इसमें डालेंगे बादाम और ये रहा इलायची का पाउडर, दोनों साथ में हमने डाल दिया। अब इसे साथ में अच्छे से मिक्स कर देना है मावे के साथ, देखिए इसे मावे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट मावा जो है तैयार हुआ है, देखिए आटा जो है कितना अच्छे से नरम हो गया है। अब आटे में से हमें तोड़ लेना है, देखिए ऐसे हमें इसे करना है और बड़ा छोटा जैसा आप पसंद करते हो बालूशाही बनाना उसके अनुसार आप तोड़ लीजिएगा। देखिए हमें इतना बड़ा बड़ा बनाना है, हम इतना बड़ा बड़ा जो है तोड़ लेते हैं बालूशाही बनाने के लिए। आटे को हमने तोड़ लिया है, अब इसे हमें हाथों में ऐसे बॉल के जैसे बनाना है और ऐसे हमें इसे गहरा करना है। देखिए जैसे हम लोग पराठे वगैरह बनाते हैं तो ऐसे हम गोल करते जाते हैं, देखिए इसको हमने गोल कर लिया। अब हम ले लेंगे अपना जो मावा हमने तैयार किया था, मावे में से लेके और इसे हमें डालते जाना है और मावे को ऐसे हम दबा देंगे और बालूशाही को हम साइड से ऐसे करते हुए, देखिए ये जो रही हमारी मावा बालूशाही, अच्छे से हमें सील कर देना है कि ये खुले ना। देखिए अब बीच से हमें ऐसे, अब हम लोग वो बालूशाही जो सादा बालूशाही हम लोग बनाते हैं हलवाई के जैसे, तो उसमें हम लोग गोल मतलब आर पार जो है इसमें होल करते हैं, इसे आर पार होल नहीं करना है, बस ऐसे हमें इसमें गड्ढे बना देने हैं। ऐसे ही सारी बालूशाही को हम तैयार करेंगे। सारी बालूशाही हमने बना के तैयार कर लिया है, तेल में डाल देते हैं बालूशाही को। सारी बालूशाही को हमने डाल दिया है, अब इसे हमें पलट देना है। देखिए ये फूलना शुरू हो गया है, चूल्हे का पॉइंट जो है मीडियम ही होना चाहिए, मीडियम पे इसे तलेंगे बालूशाही को।
अगर चूल्हे का पॉइंट बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि ऊपर से जल जाएगा और अंदर कच्चा रह जाएगी, इसलिए इसे हमें मीडियम पे करके ही बालूशाही को तला जाता है। बेहतरीन बालूशाही जो है बनती है हलवाई के जैसे। देखिए बालूशाही को हम पलट लेते हैं सारे को। बालूशाही को तलते हुए 15 मिनट हो गया है। अब इसको हम तेल से बाहर निकाल देते हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर हो गया है, बहुत अच्छे से तल के ये तैयार हो गई है। अब इसे हमें निकाल के और बर्तन में रखते जाना है। बड़ा बर्तन ले लिया है, चाशनी बनाने के लिए बड़ा बर्तन यूज़ में लेना चाहिए। और हमने ये 1/2 kg चीनी ले ली है, चीनी को हम डाल देते हैं। और फिर इसमें जाएगा ये पानी, हमने ये 1/2 पाव पानी ले लिया है। चूल्हे को ऑन कर देना है और इसमें जाएगी 2 छोटी इलायची, हमने खोल के इसको ले लिया है, इसको डाल देते हैं। जब भी आप चाशनी बनाते हैं तब लगातार चलाते हुए आप चाशनी को बनाइए, नहीं तो क्या होगा कि ये कलर जो है चेंज हो जाता है, नीचे चीनी जो है बैठती है तुरंत पकड़ लेता है, इसलिए लगातार चलाते हुए चाशनी को तैयार कर लेंगे। चाशनी जो है तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं कि कितना गाढ़ा हो गया है, जैसे हम लोग जलेबी की चाशनी तैयार करते हैं सेम वैसे ही। हम उंगली की सहायता से आपको दिखा देते हैं, देखिए चाशनी जो है तैयार हो गई। चूल्हे को बंद कर देते हैं, अब हम बालूशाही को डाल देते हैं। अब इसको चारों तरफ अच्छे से हमें चाशनी के साथ बालूशाही को मिक्स कर लेना है। बालूशाही को हमने चाशनी में उलट पलट के अब देख सकते हैं कैसे अच्छे से इस पर चाशनी जो है लग गई है। अब इसे 5 मिनट रखना है, उसके बाद से हम बालूशाही को चाशनी से निकाल लेंगे। 5 मिनट हो गया है, बालूशाही को हम निकाल लेते हैं प्लेट में। बालूशाही को निकाल के हम प्लेट में रखते जाएंगे। हम आपको पास से भी दिखा देते हैं, बहुत ही परफेक्ट मावा बालूशाही जो है बन के तैयार हुई है। सारी बालूशाही को प्लेट में निकाल लेते हैं। बालूशाही को हमने प्लेट में निकाल लिया, अब इसे सजा लेते हैं। बालूशाही को हमने कुछ बादाम के कतरन काट के हमने ले लिया है और बालूशाही को हम सजा लेंगे। बालूशाही को हमने सजा लिया है, बहुत ही टेस्टी बालूशाही बन के तैयार हुई है मावा बालूशाही। आज हम बनाने वाले हैं मिनी गुलाब जामुन, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही आसान है, हलवाई के जैसे घर पे आसानी से ये बन जाता है, हर कोई बना सकता है इसे। चलिए गुलाब जामुन को बनाना शुरू करते हैं। चाशनी बनाने के लिए 1/2 kg हमने चीनी ले लिया है और ये रहा 1 पाव पानी। हमने पैन ले लिया है, इस पैन में चीनी को डाल देते हैं और ये जो रहा पानी, ये रहा 2 गिलास। अब इसको हम चूल्हे पे चढ़ा देते हैं चाशनी को तैयार करने के लिए। चूल्हे को ऑन कर देते हैं, चाशनी को तैयार होने देते हैं। चाशनी जो है तैयार हो गई है, चूल्हे को बंद कर हमने ये कटोरा ले लिया है और इस कटोरे में हम डालेंगे ये प्रीमिक्स। हमने देख सकते हैं आप, हमने ये कटोरा ले लिया है, इससे बहुत ढेर सारा बन के तैयार हो जाता है। अब इसमें हम डालेंगे दूध। दूध जो है हमने गर्म करके ठंडा करके लिया है और इसे हमें मिक्स कर लेना है। देखिए ऐसे ही हमें गूंथ लेना है। देखिए ये गूंथ के तैयार हो गया, इससे ज़्यादा हमें दूध इसमें नहीं डालना, ये बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसे हमें 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है, 10 मिनट बाद इसे हम बनाना शुरू करेंगे। 10 मिनट हो गया, अब देख सकते हैं आटा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। हमने ये तेल ले लिया है, हाथों में तेल लगा लेंगे। तेल लगाने के बाद इसे हमें थोड़ा थोड़ा लेना है, अंगूरी रसमलाई बना रहे तो देखिए साइज ये, और हाथों में हमें ऐसी गोल कर लेना है, चिकना अच्छे से हो जाना चाहिए। हम आपको दिखाते हैं कैसे होना चाहिए। और ये देखिए ऐसे ही हम सारे गुलाब जामुन जो है मिनी साइज वाले बना के तैयार कर लेंगे। गुलाब जामुन हमने बना के तैयार कर लिया है, आधा हमने बनाया है और आधा बचा हुआ है, इसको तल लेंगे क्योंकि ज़्यादा देर तक हमें बना के रखना नहीं, ये सूख जाता है, इसलिए इतना हम पहले तल लेते हैं। पहले से हमने तेल जो है रख दिया है, तेल काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम गुलाब जामुन को डाल देते हैं। देखिए डालते ही कैसे बबल्स जो है उठने लगे हैं। चूल्हे का पॉइंट जब हम लोग डालते हैं गुलाब जामुन तो फुल होना चाहिए, कम आंच पे कभी मत तलिएगा, नहीं तो क्या होगा कि ये फट जाते हैं, चिपक जाते हैं, इसलिए हमेशा
चूल्हे का पॉइंट जो है तेज होना चाहिए। देखिए अब इसे हिलाते हुए हमें 5 से 7 मिनट लग जाएंगे गुलाब जामुन को तलते हुए, क्योंकि ये छोटे साइज के हैं। गुलाब जामुन जो है तलते हुए लगातार ऐसे ही चलाया जाता है कि ये चारों तरफ अच्छे से गुलाब जामुन जो है गोल गोल घूमती रहेगी और अच्छे से तल के तैयार भी होगी, कच्चा रहने का चांस नहीं होता है। देखिए ये कैसे कलर जो है चेंज होने लगा है, थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा। तो हम चूल्हे का पॉइंट जो है कम पे कर देंगे मीडियम पे करके, और इसे 5 मिनट तक मीडियम पे करके और गुलाब जामुन को तलेंगे। देखिए कि ऊपर का जो आप देख सकते हैं ये कलर डाउन, मतलब जो डार्क हुआ है थोड़ा और डार्क हो जाएगा कम पे रख के, और वो मुच्छा उसके ऊपर की जो स्किन होती है थोड़ी मोटी हो जाती है। तो गुलाब जामुन जो है बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। देखिए ऐसे ही हलवाई लोग बनाते हैं सेम, उन लोग का लंबे समय तक गुलाब जामुन चलता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। ऐसे हिलाते हुए इसे हम तल के गुलाब जामुन को तैयार कर लेंगे। 5 से 7 मिनट लग गए हैं गुलाब जामुन जो है तल के तैयार हो गए। अब देख सकते हैं बड़े साइज़ के रहते हैं तो 10 से 15 मिनट उसे तला जाता है। देखिए ये छोटे साइज़ के थे इसलिए 5 से 7 मिनट लगे हैं। अब इन्हें हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं, प्लेट में हम रखते जाएंगे। तेल से हमने बाहर निकाल लिया है, अभी हमें चाशनी में नहीं डालना है, इसे 2 मिनट हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद से हम इसे चाशनी में डालेंगे। 2 मिनट हो जाने के बाद चाशनी में हम गुलाब जामुन को डाल देते हैं। चाशनी हमारी गर्म है, हमने गर्म रखा था, फिर से वापस इसे हमने गर्म कर दिया है। थोड़ा भी चाशनी जो है ठंडी हो तो ना डालें, चाशनी को गर्म करके उसके बाद से गुलाब जामुन को डालें। देखिए ऐसे हम तल के वो भी जो भी बचा हुआ है उसको भी हम ऐसे ही तल के और गुलाब जामुन को चाशनी में डाल देंगे डाल के, और आधे घंटे के लिए इसे हम रेस्ट पे छोड़ेंगे। आधे घंटे बाद जो है गुलाब जामुन जो है तैयार हो जाएगा। दोबारा हमने गुलाब जामुन को जो है तल लिया है, अब इसे भी हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। चूल्हे को बंद कर देते हैं। 2 मिनट हो गया है, इसे भी हम चाशनी में डाल देते हैं। देखिए पहली बार वाला हमने डाला था, साइज आप देख सकते हैं ये डबल हो गया है, ये दूसरा चांस है। अब इसे चाशनी के साथ अच्छे से इसे हमें देखिए इसे घुमा देना है। आधे घंटे तक इसे हम रेस्ट करने देंगे, उसके बाद दिखाएंगे आपको हम साइज में ये अंगूरी गुलाब जामुन जो है कैसे तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं साइज में कैसे ये डबल हो गए हैं हमारे मिनी गुलाब जामुन जो हैं। देखिए बहुत ही परफेक्ट बने हैं, एकदम सेम हलवाई के जैसे ये बन के तैयार हुए हैं। देखिए अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने ये प्लेट ले लिया है और इस प्लेट में हम गुलाब जामुन को निकाल लेते हैं। देखिए हमने सारे मिनी गुलाब जामुन जो है हमने प्लेट में निकाल लिए। आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में, उतना ही खाने में ये टेस्टी लग। तीसरी मिठाई बनाना शुरू करते हैं। पैकेट वाले दूध से रसमलाई बनाएंगे, बिल्कुल हलवाई के जैसे परफेक्ट बन के तैयार होगी इस दिवाली पे। चलिए रसमलाई बनाना शुरू करते हैं। देखिए हमने ये दूध ले लिया है, अमूल गोल्ड का है, मिल्की मिल्क। अब इसको हम बर्तन में निकाल लेते हैं। हमने पैन ले लिया है और ये दूध जो रहा हमने 1 लीटर दूध लिया है। देखिए इसे काट के और बर्तन में ले लेंगे। पैन में हमने दोनों पैकेट दूध को निकाल लिया है। पैन को हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, चूल्हे को ऑन कर देते हैं, दूध को गर्म कर लेते हैं। दूध में उबाल आने लगा है, चूल्हे को बंद कर देते हैं। छेना तैयार करने के लिए हम विनेगर का यूज़ करेंगे। विनेगर से जो है बहुत अच्छे से छेना तैयार होता है। 10 ml हमने विनेगर ले लिया और इसमें डालेंगे हम पानी। देखिए ये छोटे कप के अनुसार, मतलब छोटा जो कप होता है उसके अनुसार 1 कप ये बन के तैयार हो गया। अब इसे डाल देते हैं दूध में। अब विनेगर जो हमने डाला है उसे मिक्स कर लेते हैं। अब देख सकते हैं दूध जो है फटना शुरू हो गया है, छेना और पानी अलग हो गया है। ये हमने मलमल का कपड़ा ले लिया है, नीचे ये जाली वाली डलिया है। अब इसमें हम छेने को छान लेंगे। बहुत अच्छे से ये छेना जो है परफेक्ट एकदम तैयार हुआ, आप देख सकते हैं। अब इसे हम छान लेते हैं। उसी बर्तन में हमने पानी ले लिया है, नॉर्मल पानी है ये नल का। अब इसमें छेने को हम धुल लेते हैं। ये रहा छेना, फैला लेते हैं कपड़े को और छेने को हमें ऐसे मल के धुल लेना है। ये टोटल अलग होना जाना चाहिए, ज्वाइंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए अभी ये गर्म है, अच्छे से इसे हमें धुल लेना है। देखिए सारा ये अलग हो गया, साफ से छेना जो है अच्छे से धुल के तैयार हो गया।
अब इसे हम बांध के और इसे आधे घंटे के लिए टांगेंगे, क्योंकि ये 1 लीटर दूध का है, इसलिए हमें ज़्यादा देर तक इसे बांध के नहीं टांगना है। पानी इसका न ज़्यादा अगर निचुड़ जाएगा, आपका 1 घंटे के लिए अगर छोड़ देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा छेना। अच्छे से जो रसगुल्ले बनाएंगे वो अच्छे बन नहीं पाएंगे रसमलाई वाले। अब इसे बांध के टांग देते हैं। चाशनी तैयार करने के लिए हमने ये 2 लीटर पानी ले लिया है और ये हमने 1 kg चीनी। अब इसको हम चूल्हे पे चढ़ा देते हैं चाशनी तैयार करने के लिए। चाशनी बनने के लिए हमने चूल्हे पे कुकर को चढ़ा दिया है, चूल्हे को ऑन कर देते हैं। पहले हम चीनी को लगातार चलाते हुए गलाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, नहीं क्या होगा कि ये नीचे लाल हो जाएगी तो चाशनी का कलर जो है खराब हो जाता है, इसलिए लगातार चलाते हुए गला के इसे तैयार करना है चीनी को। हो चुके हैं, हम छेने को ले लेते हैं। ये रहा छेना, आधा टेबल स्पून अरारोट पाउडर। अब इसे तोड़ लेते हैं, इसलिए इसे मसलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। ऐसे हम इसे मसल के तैयार कर लेंगे। छेने को मसल के हमने तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ सा ये बन गया है, बहुत ही परफेक्ट छेना जो है हमारा तैयार हुआ है। अब इसमें से हम तोड़ लेते हैं और हाथों में इसे हम ले लेंगे। ऐसे हमें गोल घुमाते हुए और हल्का सा हम आपको पास से दिखा देते हैं कितना चिकना हुआ है, साइड में कहीं भी फटा नहीं है, बहुत अच्छे से तैयार हुआ। ऐसे हम सारा बना के तैयार कर लेंगे। रसमलाई वाले रसगुल्ले जो हैं सारा तैयार हो गए बनके। चाशनी में भी उबाल आने लगा है, अब इसे हम चाशनी में डाल, रसगुल्ले चाशनी में डाल देते हैं। रसमलाई वाले जो रसगुल्ले टोटल डाल के और इसे हमें तुरंत ढक देना है। ढक के 10 मिनट बाद इसे हम चेक करेंगे, बीच में बिल्कुल नहीं चेक करना है। 10 मिनट हो गया, साइज आप देख सकते हैं, साइज में ये डबल हो गए हैं। फिर से वापस इसे हम ढक देते हैं, 10 मिनट और पकाएंगे, टोटल 20 मिनट। ये अच्छे से पक जाता है, बिल्कुल कच्चा रहने का चांस नहीं रहता है। पकते हुए 20 मिनट हो गया है, अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं और इसे हम हिलाते रहेंगे ऐसे जब तक ये नीचे ना बढ़ जाए। इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। रसगुल्ले जो है अच्छे से ठंडे हो गए हैं, अब इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं चाशनी से। इस प्लेट में सारा निकाल लेंगे इस प्लेट में रसगुल्ले। दूध जो हम यूज़ कर रहे हैं ये भी पैकेट वाला दूध है, इसको हमने गर्म कर दिया है। अब इसमें चीनी और इलायची पाउडर ये डाल देते हैं, इसे मिक्स कर लेते हैं। चूल्हे को ऑन कर दिया हमने और लगातार चलाते हैं दूध को, अच्छे से 5 मिनट तक उबाल के हमें तैयार करना है। दूध में ये कलर डाल देते हैं, ये येलो कलर है। अब इसे मिक्स करते हैं, चुटकी भर हमने डाला है। आप देख सकते हैं दूध का कलर जो है कितना प्यारा हो गया है। अब इसे अच्छे से दूध को 5 मिनट पका के तैयार करेंगे। दूध में उबाल आने लगा है, अब इसे लगातार चलाते हम उबाल के तैयार करेंगे। इसमें ये मलाइयाँ जो है ना पड़े, दूध जो है हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए ऐसे लगातार चलाते हुए हम दूध को तैयार कर लेते हैं। दूध जो है तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। इसे ज़्यादा अगर गाढ़ा करेंगे तो ये रसमलाई में अंदर जाएगा नहीं, आप देख सकते हैं ये तैयार हो चुका है। अब चूल्हे को बंद कर देते हैं। अब इसमें हम अपनी रसमलाई डालेंगे। ये रही हमारी रसमलाई, ये गरम गरम दूध में जाएगी, बहुत ही सॉफ्ट एकदम स्पंजी जो है ये एकदम सॉफ्ट तैयार होगी, जैसे बाज़ार से हम लोग लेते हैं सेम वैसे ही। सारे को डाल देते हैं, सारे रसमलाई जो है हमने डाल दिया है, ये इसको नहीं हमने पलाटा है। देखिए इसे भी हम पलाट देते हैं और सारे को ऐसे 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं। 10 मिनट बाद आपको दिखाएंगे कितनी बेहतरीन पैकेट के दूध से रसमलाई जो है बनके तैयार हुई है। देखिए 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, रसमलाई जो है ठंडी हो गई है। अब इसको हम प्लेट में ले लेते हैं, हमने ये प्लेट ले लिया है और इस प्लेट में रसमलाई ले लेते हैं। बहुत बेहतरीन हलवाई की जैसे जैसे हम लोग बाजार में खाते हैं वैसे ही रसमलाई जो है बनी है, आप देख सकते हैं। हम आपको पास से भी दिखा देते हैं, प्लेट में रसमलाई निकाल लेते हैं।
रसमलाई को हम सजा लेते हैं। बहुत ही टेस्टी बाजार के जैसे रसमलाई जो है बनके तैयार हो गई है। दिवाली पे जो चौथी मिठाई बनाएंगे, गुलाब जामुन मलाई चाप। ये हाफ के जी हमने चीनी ले लिया है और ये रहा एक पाव पानी। हमने पैन ले लिया है, इस पैन में चीनी को डाल देते हैं और ये जो रहा पानी, ये रहा दूसरा ग्लास। अब इसको हम चूल्हे पे चढ़ा देते हैं चाशनी को तैयार करने के लिए। चूल्हे को ऑन कर देते हैं, चाशनी को तैयार होने देते हैं। चाशनी जो है तैयार हो गई है, चूल्हे को बंद कर देते हैं और मलाई जो है तैयार कर लेते हैं। गुलाब जामुन के लिए हमें मलाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने ये कढ़ाई ले ली है और हम मलाई जो है तैयार करेंगे मिल्क पाउडर से। देखिए, इससे हमें 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर हमें ले लेना है। अब इसमें डालेंगे हम चीनी, 1 टेबल स्पून हमने ये चीनी डाल दिया। अब इसमें हम दूध का यूज़ करेंगे, हमने ये 1 कप के अनुसार हमने ये दूध लिया है। दूध को डाल देते हैं, अब इसे साथ में अच्छे से हमें मिक्स कर लेना। अच्छे से ये मिक्स हो गया है, हल्की फुल्की ये गुठली है इसमें। अब हम चूल्हे को ऑन कर देते हैं और लगातार चलाते हुए हमें मलाई जो है तैयार करनी है। मावा जो है तैयार हो गया है, अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये सूख गया है, मलाई जो है बहुत अच्छे से ये तैयार हुई है। सूखेगी तो थोड़ा और टाइट हो जाएगी, ये अभी थोड़ा सा नरम है। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, चूल्हे को बंद कर देते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए हम आटा तैयार कर लेते हैं। हमने ये कटोरा ले लिया है और उसके लिए हमने यूज़ में लिया है ये प्रीमिक्स गुलाब जामुन का जो पाउडर है। अब इसे हम ले लेते हैं कटोरे में, हमने इसे ले लिया है। इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रीमिक्स है और इसमें आप इसको पानी से या दूध से गूंथ सकते हैं आटे को, लेकिन हमने ये जो है दूध लिया है गूंथने के लिए। ये गर्म करके ठंडा, नॉर्मल ठंडा है एकदम, और इससे हम गूंथेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के हमें गूंथना है, एक ही बार ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो ये नरम पड़ जाएगा। आटा जो है गूंथ के तैयार हो गया, अब इसे 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पर छोड़ देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं, आटा जो है बहुत अच्छे से सेट हो गया, आप देख सकते हैं। अब इसमें से हमें ले लेना है और इसे हमें हाथों में ऐसे घुमाना है। पहले हाथों में हम घी लगा लेंगे, घी या तेल आप लगा सकते हैं, और इसे हमें गोल करते हुए ऐसे लंबे में कर लेना है। ऐसे ही सारा बना के तैयार कर लेंगे। तेल को हमने रख दिया है, तेल जो है गर्म हो गया है और गुलाब जामुन भी हमने बना के तैयार कर लिया है। 1 कटोरी से हमने 8 गुलाब जामुन जो है बना के तैयार किया है। अब तेल में डाल देंगे, इसे तलेंगे। सारे गुलाब जामुन हमने डाल दिया है, इसे लगातार चलाते जाना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है कि ये चारों तरफ अच्छे से तले, नहीं तो क्या होगा कि एक साइड तल जाएगा और दूसरे साइड ये बार बार पलटने लगेगा, इसलिए बार बार हिलाते हुए इसे हमें तल के तैयार करना है। गुलाब जामुन जो है तल चुके हैं, अब इसे हम निकाल लेते हैं तेल से बाहर और चाशनी में इसे हम डाल देंगे। चाशनी अभी गर्म है, इसको चाशनी में डालते जाएंगे। सारे गुलाब जामुन जो है हमने चाशनी में डाल दिया है, अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। 10 मिनट बाद हम आपको दिखाएंगे साइज में ये कैसे डबल हो जाएंगे। रसगुल्ले जो है ठंडे हो गए हैं, अब इन्हें हम चाशनी से बाहर निकाल लेते हैं थाली में। आप देख सकते हैं कितनी जूसी ये बन के तैयार हुए हैं। सारे रसगुल्ले हम चाशनी से बाहर निकाल लेते हैं। सारे रसगुल्ले हमने चाशनी से बाहर निकाल लिया है, अब इसे हमें बीच में ऐसे कट लगाना है। पीछे के साइड जो है ज्वाइंट होना चाहिए। देखिए, ऐसे हमने इसे कट लगा लिया, ये पीछे के साइड जो है ज्वाइंट है। ऐसे ही सारे रसगुल्ले काट के तैयार कर लेंगे। सारे गुलाब जामुन हमने काट के तैयार कर लिया है। अब हमें ये जो मलाई जो तैयार की थी उसको हमने ले लिया है। अब हम एक एक पीस उठाएंगे गुलाब जामुन का और इसमें ऐसे हमें नाइफ से लेके और गुलाब जामुन में ऐसे हमें भरते जाना है। देखिए, मलाई को ऐसे हम डालते जाएंगे। देखिए, हमने गुलाब जामुन में मलाइयाँ जो है भर ली अच्छे से। अब हमें ले लेना है प्लेट, प्लेट में हम रखते जाएंगे। हमने ये वाइट वाला प्लेट ले लिया है और इसमें गुलाब जामुन को हम रख लेंगे। ऐसे ही सारा भर के हम तैयार कर लेंगे। सारे गुलाब जामुन में हमने मलाइयाँ जो है भर ली हैं, ये तैयार हो गए हैं। अब इन्हें हम कुछ कटे हुए बादाम से इन्हें हम सजा देते हैं। बहुत ही टेस्टी बनी है। इस तरीके से आप गुलाब जामुन को ज़रूर बनाइए
और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करिए, आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हमने और वीडियो डाल रखा है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। देखिए हमने मिठाई को जो है सजा दी है, ऐसे आप मिठाई ज़रूर बनाइए।